आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले आईटीआई लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 3.25 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3.5% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 3%, 3 महीने में 18%, 6 महीने में 6% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है, परंतु एक साल में देखें तो इस स्टॉक में 4% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, परंतु 6 महीने से इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 86 रुपीज के से स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, इसलिए इस स्टॉक में देखें तो एक डबल टॉप बॉटम बनता हुआ नजर आया 116 रुपीज के से स्टॉक में एक हाई है जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इस स्टॉक में नीचे का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 105 रुपीज। इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 105 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 155 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।